दोस्तों दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जहां हम आ चुके हैं दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार के घर में भारत का सबसे जहरीला सांप स्पिटिकल कोबरा जो है काल बन के बैठा हुआ। काल ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका 5-10 मिनट का समय लेंगे और कौन सा स्नेक है उसको निकाल के दिखा देंगे। भैया ने हमको फोन किया, हमसे आपको रूबरू करवाया है। सर जिला कौन सा है? दरभंगा। और ये कब देखा आपको, कब देखा गया सांप? करीब 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले तो आप उसको देखे एकदम फेस टू फेस? हाँ। तो इनके कहने का मतलब है कि ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही है और खेसर करके गांव है, वो सांप को एकदम लाइव देखे हैं, बहुत बिग साइज का था, ये कोशिश किया उसको भगाने का या मारने का, इनके ऊपर फुफकारा है तो जाके ये साइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, निकाल के दिखाते हैं। चलिए हटाइए। ओह माय गॉड, दोस्तों यहाँ पे जो है स्पिटिकल कोबरा जो है काफी जद्दोजहद करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद जो है दिख चुका है। ये पिलर के साइड में है, कोने में जाकर अपना आशियाना बनाया हुआ है और काफी बिग साइज का स्पिटिकल कोबरा है दोस्तों। इसी के काटने से 20 मिनट में, 1 घंटे में, 3 घंटे में इंसान की जान चली जाती है। दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपकी तरफ कितना स्पीड में आएगा और किधर से हमला करेगा, कुछ कह नहीं सकते, तो बहुत सतर्क होकर के जो है रेस्क्यू करना पड़ता है दोस्तों। अपनी भी जान बचाना है और सांप की भी जान बचाना है, इसी में दोनों की भलाई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सतर्क होकर के जो है रेस्क्यू करने का जो काम है उसको जो है अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही दोस्तों, कुछ सामान लेने के लिए जब आप घर में जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि यहाँ पे सांप जो है बैठा हुआ है, लेकिन सांप आपको देख लेता है और उसके बाद आपके ऊपर ऐसे अटैक करता है, ऐसे काटने के लिए दौड़ता है आपको ताकि वो अपनी जान बचा सके। झूठ मूठ के पहले हमला करेगा दोस्तों आपके ऊपर, उसके बाद जो फिर भी आप नहीं हटते हैं तो ये रियल बाइट करेगा। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि सांप का नाम सुनते ही बड़े बड़े बहादुर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है बाइट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे जूता में बार बार जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा ही थोड़ा सा भी अगर आपसे मिस्टेक होता है, जरा सा भी कहीं पर भी आपसे चूक हो जाता है, ऐसी गलती कर बैठते हैं उस दौरान हमला कर देते हैं, जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है दोस्तों कि कौन उसको बचाने वाला है और कौन मारने वाला है। इतना दिमाग इसके पास नहीं है, अगर इतना दिमाग होता है इसके पास तो ज़्यादातर इंसान जो है इसको पालने के लिए जो है रखते इसको, क्योंकि इतना खूबसूरत जानवर है ये, इतना खूबसूरत जीव है ये। कहाँ पे साफ सुथरा जगह है? यहाँ रोड तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? दोस्तों बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि ये फन क्यों खड़ा करता है, फुफकारता क्यों है? तो दोस्तों ये जो है जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो ये फन को ऐसे फैलाता है और फुफकारने की आवाज़ निकालता है ताकि वो अपने दुश्मन को डरा सके या फिर जिससे भी उसकी मुठभेड़ होने वाली है उसको डराने की कोशिश करता है ताकि वो भी दूर हो जाए और ये सांप भी धीरे से दूर हो जाएगा। फिर भी अगर आप उसके पास जाते हैं तो ये झूठ मूठ के हमले भी करता है। ऐसे बाइट को ड्राई बाइट कहा जाता है, ऐसे बाइट को किसी भी मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता है कि ये जहर छोड़ा है। देखिए दोस्तों मेरे जूता में जो है ये कितना ज़्यादा जहर जो है इंजेक्ट कर चुका है, कितना ज़्यादा जहर छोड़ चुका है। ऐसे ही जाने अनजाने में इंसान के अंदर जो है जहर छोड़ देता है, उसकी जान चली जाती है। अगर ये सांप काटता है तो कितनी बार जो है ये जहर नहीं छोड़ता है, तो आप लोग घबरा करके ये मत सोचिए कि हमको गोमन सांप काटा है तो हम मर जाएंगे। अगर ऐसा सोच लिया तो अगर नहीं भी काटे रहेगा, ये जहर नहीं भी छोड़े हुआ रहेगा, तो आपके अंदर जहर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कभी भी ये सांप काटता है तो जो भी आपका सदर अस्पताल आसपास में है वहाँ जाइए ताकि जो है आपका सही ट्रीटमेंट हो और आपकी जान बचे।
ये देखावे छे ना दिया में ये देख लो कितना अति कर रहा है ये पतला से पतला अति में है उल जाए देखे जो गंगा दरबार फोन करी है दोस्तों कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं तो मारे जाइएगा। मीटिंग का टाइम होता है तभी ये एक दूसरे को साथ में दिखेगा जब इसका मीटिंग का टाइम होता है ऐसे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जहरीला जीव है ये हमारे साथ में कभी भी दुर्घटना हो सकता है और में चले जा बड़ी बेर साढ़े बजे से आराम कर दोस्तों। सुंदरबन जंगल में जाने से पहले अपने सर के पीछे एक मास्क लगा के जाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर उसको जो है पीछे से देखता है तो वो मास्क को देखता है तो ऐसा लगता है कि ये उसकी आंखें हैं इसलिए करके जो है उसकी जान बच जाती है। इसी तरह से ठीक प्रकृति ने ये सांप को ये नक्शी का डिज़ाइन दिया हुआ है। आप इसके पीछे देख सकते हैं कि ये जो है डिज़ाइन जो है नक्शी का डिज़ाइन इसको देख करके जो है कोई भी परपक्षी या फिर कोई भी जंगली जानवर समझता है कि ये इसकी आँख है इसलिए करके जो है इसके ऊपर हमला नहीं करता है और इस तरह से जो है इसकी जान बचती है। जूता में 25 में माल किए को जूता में जूता में घर में ना कोई नहीं सजा के जब ना जब ना चले तो कहने चले ना तो जब अरे गेलो साहब रे एक महीना पहले सूर जाके घर में रहे तो पकड़ वाल कर हां एंटे पकड़ ले ये रहो ये रहो। दोस्तों अगर कोई भी जंगली जानवर या कोई परपक्षी या कोई ऐसा जानवर आपको दिखता है तो तुरंत आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके उसको इत्तला दे सकते हैं उसको जानकारी दे सकते हैं ताकि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर के इसको रेस्क्यू करके सही सलामत फॉरेस्ट में रिलीज करो। आगे से लो इधर से पीछे से ठीक है ठीक है कैमरा ले लो मोबाइल में ले काम। अगर आप लोग को पर्यावरण को सेफ रखना है तो इसको जीवित रखना पड़ेगा इस धरती पे समझ रहे हैं। दोस्तों डब्बा में डालने टाइम में भी खतरा बना रहता है कभी भी जो है आपके साथ दुर्घटना हो सकता है तो बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से जो है इस डब्बे में जो है सांप को अंदर डालिए ताकि जो है आप सेफ रहेंगे जब भी सांप सेफ रहेगा। तो दोस्तों पब्लिक जो है बहुत सारा सवाल करने लगता है सांप पकड़ने टाइम में या फिर डब्बे में डालने टाइम में बहुत सारा सवाल उठता है चारों तरफ से तो प्लीज़ आप जितने भी स्नेक कैचर है उस पर ध्यान न दे करके आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और आप अपने सांप पे ध्यान दे करके आराम से डब्बे में डालिए ताकि जो है आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो आपके साथ जो है कोई परेशानी ना आ जाए ताकि जो है फिर ये बेजुबान जीव की हिफाजत कौन करेगा।
ठीक है दोस्तों, ये सही सलामत रेस्क्यू हो चुका है, डब्बे में भी जा चुका है। अब इसको बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट में जाकर के इसको रिलीज करें। नहीं दोस्तों, बाकी की जिंदगी जो है ये जंगल में आराम से गुजारेगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जितना इसको जीने का अधिकार रखना है, तो प्लीज आप लोग जो है बेजुबान जीव की जान बचाइए। जो भी आपके आसपास में स्नेक कैचर है उसको बुला करके आप रेस्क्यू करवा सकते हैं। दोस्तों अधिकांश बार लोग हमसे सवाल करते हैं कि सांप को रेस्क्यू करने के बाद आप क्या करते हैं। दोस्तों ऐसे फॉरेस्ट में ला करके ये बेजुबान जीव को जो है रिलीज कर देते हैं। देखिए ये आराम से जो है ये फॉरेस्ट में चला जाएगा, ये बाकी की जिंदगी बहुत आराम से गुजारेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं।